नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। मैं हूं आपके साथ अनामिका और मैं पूछ रही हूं कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा और कौन है मेरा दोषी। और मैं सिर्फ अनामिका ही नहीं, निर्भया भी हूं, अंकिता भी हूं और मैं वो सारी पीड़ित लोगों की तरफ से ये पूछ रही हूं कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल बात अनामिका की। 9 फरवरी 2012, ये वो दिन था जब एक खौफनाक वारदात ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। रोज की तरह उस दिन भी देर शाम को छावला की रहने वाली 19 साल की अनामिका अपने कुछ दोस्तों के साथ गुनगांव से काम खत्म कर बस से घर वापस लौट रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे एक अनहोनी उसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो बस से उतरी और तेज कदमों से घर की तरफ पैदल ही चलने लगी। तभी पीछे से एक लाल रंग की इंडिका कार ने उसका रास्ता रोक लिया। कार में सवार 3 बदमाशों ने अनामिका को जबरन पकड़कर कार में खींच लिया और उसे अगवा कर अपने साथ ले गए। काम पर जाने के लिए अनामिका घर से तो सही वक्त पर निकली थी, लेकिन उस दिन वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके घर वालों को चिंता सताने लगी। परिजन उसकी तलाश में जुट गए। उन्होंने उसे कई जगह पर तलाश किया जहां वो काम करती थी, वहां भी पता किया, लेकिन अनामिका की कोई खबर घर वालों को नहीं मिली। काफी खोजबीन करने के दौरान उन्हें इतना जरूर पता चला कि कुछ अज्ञात बदमाश जबरन एक लड़की को गाड़ी में डालकर दिल्ली से बाहर की तरफ जाते दिखाई दिए। अनामिका के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। उसके पिता एक मामूली गार्ड की नौकरी करते थे, वो बेटी को लेकर बेहद परेशान थे। इसके बाद उन लोगों ने दिल्ली पुलिस से मदद लेने का फैसला किया। पुलिस को फोन किया गया तो करीब घंटे भर से ज्यादा की देरी से पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त वो हैरान रह गए जब दिल्ली पुलिस के कारिंदों ने उनसे कहा कि संदिग्ध बदमाशों को ढूंढने के लिए उनके पास गाड़ी उपलब्ध नहीं। उधर अनामिका को अगवा कर ले जाने वाले बदमाशों ने अपनी कार हरियाणा की तरफ दौड़ा दी थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे अनामिका के साथ चलती कार में ज्यादती बढ़ती जा रही थी। बदमाश अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली से हरियाणा जा पहुंचे। तीनों आरोपी वहीं के रहने वाले थे, उन्हें कई दूसरे रास्तों का पता था। वहां पहुंचकर सबसे पहले तीनों ने एक दारू के ठेके से शराब खरीदी, फिर कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पीते हुए अनामिका के साथ दरिंदगी करने लगे। उन्होंने पहले उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर बारी बारी से उसके साथ तीनों ने बलात्कार किया। तीनों दरिंदों ने उस लड़की के जिस्म को नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके जिस्म को कई जगह से दांतों से काटा गया। वो दरिंदों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन पर हवस का ऐसा भूत सवार था कि वो तीनों सुनने को तैयार नहीं थे। एक तरफ दारू का नशा और दूसरी तरफ हवस का भूत, तीनों लड़के हैवान बन गए थे। दरिंदगी की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। पीड़िता रेप से बदहवास हो चुकी थी। वो दरिंदों से पीने के लिए पानी मांग रही थी, तो पहले तो तीनों उसे कहीं से लाकर पानी पिलाने लगे, लेकिन इसके बाद उनमें से एक आरोपी ने लड़की को मार डालने का आइडिया दिया। इसके बाद तीनों की हैवानियत फिर से जाग उठी। आरोपियों ने उस लड़की को जिस घड़े से पानी पिलाया था सबसे पहले वही घड़ा उठाकर उसने सिर पर दे मारा। इसके बाद तीनों ने अनामिका के साथ जो कुछ भी किया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तीनों में से एक आरोपी मुड़ा और गाड़ी से लोहे का पाना और जैक निकाल कर लाया। इन्हीं औजारों से उन्होंने अनामिका के सिर पर कई जोरदार वार किए। पहले ही वार से वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, लेकिन उन दरिंदों को उस पर रहम नहीं आया। उन्होंने एक के बाद एक उस लड़की पर ना सिर्फ कई बार वार किए बल्कि उसकी पहचान छुपाने का तरीका भी सोच लिया। अनामिका बेइंतहा दर्द और दरिंदगी की वजह से अब बेहोश हो चुकी थी। उसका जिस्म खून से सना हुआ था। कातिल दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म को जगह जगह पर दाग दिया। यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया, मगर इसके बाद भी दहशत की इंतहा अभी भी बाकी थी। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी और उससे लड़की के पूरे जिस्म को तब तक काटते रहे जब तक वो मुर्दा जिस्म में तब्दील नहीं हो गई। उसके प्राइवेट पार्ट में भी टूटी बोतल घुसा दी गई। उन दरिंदों ने लड़की की आंखें फोड़कर उनमें कार की बैटरी का तेजाब भर दिया था। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि तीनों दरिंदे हरियाणा के रहने वाले थे, जिनकी पहचान रवि, राहुल और विनोद के तौर पर की गई थी। ये तीनों ही कार ड्राइवर थे। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन लोकेशन और कार की पहचान करके तीनों को एक एक धर दबोचा था। लड़की के अपहरण के समय के चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने लाल इंडिका गाड़ी की तलाश की।
कुछ दिनों बाद उसी गाड़ी में घूमता हुआ राहुल पुलिस के हाथ लग गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया, अपने दोनों साथियों रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दी। तीनों की निशानदेही पर ही पीड़िता की लाश बरामद हुई थी। डीएनए रिपोर्ट और दूसरे तमाम सबूतों से निचली अदालत में तीनों के खिलाफ केस निर्विवाद तरीके से साबित हुआ। 2014 में पहले निचली अदालत ने मामले को दुर्लभतम की श्रेणी का मानते हुए तीनों को फांसी की सजा दे दी थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तीनों दोषियों को बरी करार दिया है। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए स्थिति प्रज्ञ साक्ष्यों के आधार पर फैसले में सभी दोषियों को बरी कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तराखंड के छावला रेप केस में 10 साल बाद तीनों दोषियों को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर तीनों दोषी रिहा हो गए तो छावला की अनामिका के साथ हद दर्जे की हैवानियत को किसने अंजाम दिया था? अनामिका का दोषी कौन है? अनामिका को इंसाफ दिलाने के लिए जिन दलीलों, दस्तावेजों और सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, क्या वो अधूरे थे? क्या वो सर्वोच्च अदालत में पुख्ता तौर पर सरकार ने अनामिका का पक्ष नहीं रखा? क्या अनामिका के पक्षकारों ने कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की? अब फैसले के बाद सामाजिक ताना बाना कैसे सुधरेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर इस फैसले का कितना असर होने वाला, यह भी एक सोचने का विषय है। आखिर चूक कहां हुई? सवाल सरकार से है, सिस्टम से है, सवाल समाज से भी है कि अनामिका को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? यह घटना जो मैंने आपको अभी बताई, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह स्क्रिप्टेड नहीं था। यह पूरा वाक्य दोषियों ने कबूल किया था और खुद यह पूरी कहानी बताई थी, लेकिन आज उन दोषियों को बरी कर दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं करते, ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल सिर्फ सरकार और सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार की तरफ से पैरवी ठीक तरीके से नहीं की गई? क्या हाई कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किए गए? 10 साल से जो मां बाप इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, आज उन मां बाप को पता चलता है कि वो दोषी ही नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया है। ऐसे में कैसे मिलेगा इंसाफ? और इससे तो साफ जाहिर है कि अनामिका के दोषी इसका मतलब पकड़े ही नहीं गए। तो आखिर अनामिका के हत्या का दोषी कौन है, हत्यारा कौन है? और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा और उनसे आपका परिचय भी करा देते हैं। सुनील कुमार सिंह जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र कुमार झा जी, दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका नयाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ही करना चाहूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों को बरी कर दिया है, और चूंकि मैं सबसे पहले से ये भी गुजारिश करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की का जो फैसला आया उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, तो कोई और भी टिप्पणी ना करे, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने वाले। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने क्या पैरवी की, सिस्टम ने क्या पैरवी की? क्या जो गवाह सबूत अदालत में पेश किए गए थे हाई कोर्ट में, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया था सुनील जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सुनील जी, अनम्यूट करें खुद को। सुनील जी, अनम्यूट करें प्लीज खुद को, आपके आवाज नहीं आ पा रही हम तक। सुनील जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जितेंद्र कुमार झा जी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र कुमार झा जी दिल्ली हाईकोर्ट से हैं हमारे साथ। जितेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हाईकोर्ट, निचली अदालत और हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खत्म रद्द करते हुए उनको बरी किया है, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो देखिए, जहां तक हमारा तजर्बा रहा है कोर्टों में, और मुझे मौका मिला निर्भया के केस को उसके पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल उसके अंत तक, परिणति तक पहुंचाने का, तो उस केस का जो अनुभव रहा मेरे पास, तो इसमें निश्चित रूप से
स्टेट वर्सेज एक्यूज्ड केस होता है, लेकिन जो स्टेट का ढुलमुल रवैया होता है उसके कारण से हर हर उसके स्टेप पे फेलियर ही नजर आता है। बेशक हम माने कि केस बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट हुआ होगा, जी सारे गवाह जो है उनके बयानात जो है वो सेशंस कोर्ट में बड़े अच्छे से दर्ज हुए। निश्चित रूप से क्योंकि डेथ पेनल्टी अवार्ड की थी सेशंस कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट में ये मामला जाना ही था फॉर कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, और साथ ही साथ जो अपराधी बना दिए गए थे उन्होंने अपील दायर की हो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जब इस सारे साक्ष्यों को देखते हुए फैसले को बरकरार रखा 2014 में, क्योंकि ये 2012 की घटना है, निर्भया और निर्भया के घटना के बाद आए हुए कानून में आमूल चूल परिवर्तन के पहले की घटना है। इस चीज का हम बिल्कुल संज्ञान लेते हुए ध्यान रखें, जी क्योंकि निर्भया की घटना के बाद बर्मा कमीशन बना और कई सारे कानूनों में फेरबदल किया गया, जी लेकिन बावजूद इसके निर्भया के केस में भी अंतिम परिणति आने में 7 से 7.5 साल का वक्त लगा, बिल्कुल और इस केस में तो उससे भी ज्यादा लगा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द विक्टिम होता है, उसको न कोई देखने वाला है, न सुनने वाला है, न कोई उसकी पुकार किसी भी तरह से सुन रहा है। बार बार कई लेवल पे सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार की गई, सरकारों से भी गुहार की गई कि कानून में कम से कम जो महिला के प्रति अपराध है इसको दर्ज करने के लिए सबसे पहले ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि महिलाएं अपने को फ्री और फेयर पा पाए कि वो ये इस तरह की घटनाओं के बारे में शिकायत दर्ज करा पाए, उसके बाद समाज से किसी तरह का प्रेशर ना पड़े, इंक्लूडिंग पुलिस जो इनिशियल स्टेज में ही प्रेशर डालना शुरू करती है विक्टिम्स पे कि समाज में बदनामी होगी, इतने साल लग जाएंगे तो वहां क्या मिलना अब इसको। ये सब चीजें जो हैं बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का विषय है, और इसीलिए हमारा समाज जो है हर रोज इस तरह की घटनाओं के समाचार से पटा हुआ मिलता है, और ये हमारे पूरे समाज के लिए शर्म का विषय है। बिल्कुल जितेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि आपने निर्भया कांड में आपको पूरे मामले की पूरी जानकारी थी, आप इसमें थे भी, आप मुझे ये बताइए कि अब क्या होगा? दोषी तो छूट गए, माँ बाप देखिए जो अब तो 10 साल निश्चित से इंतजार कर रहे थे कि उनको उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा, उस इंसाफ उस न्याय की वो जो तड़प होती है, जो इंतजार होता है, वो हम समझ सकते हैं कि माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। और आज जब उन्हें ये पता चला होगा कि उनको बरी कर दिया गया, ये तो इंसाफ की हत्या उस समय हो जाती है जब डिले होना शुरू होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये सिर्फ सुनने वाली कहावतें हैं, लेकिन क्या हमारे जुरिस्प्रूडेंस में न्यायालयों को ये बात समझ में आती है? कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कोशिश कर ली कि जो पुराने लंबित मामले हैं 5 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा, 15 साल से ज्यादा पुराने मामले हैं उनको अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के फैसला किया जाए, जो रेप के मामले होते हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या सुनवाई और क्या फैसला जब 2012 की घटना का, जब 2014 में इसको की सजा मिल गई थी उसका कंफर्मेशन 8 साल के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 8 साल यह मामला लंबित रहा है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? और निश्चित रूप से मुझे इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा, इस तरह के मामलों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और कम से कम मैं ये नहीं कहता अगर जो तथाकथित दोषी थे मुक्त कर दिए गए, उन वो दोषी थे ही चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब बरी कर दिया है, लेकिन उनको भी न्याय बहुत जल्दी नहीं मिलना चाहिए था क्या? उन्होंने भी 10 साल करीब करीब के बाद उनको
कॉल्ड न्याय मिला है, लेकिन उसको उसका क्या, जिसको कि लग रहा था 10 साल से कि शायद न्याय मिल रहा है, उसके हाथ से न्याय छीन लिया जाता है। तो इसमें हमारे समाज को, हमारे सरकार को और हमारी न्यायपालिका को भी बहुत संजीदे और बहुत जल्द बहुत ही सुलझे हुए कदम उठाने पड़ेंगे, और जिसकी मांग बार बार हम करते रहते हैं, काश ये आवाज उन कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के कान में जाए जो कि कान में तेल डाल के सोए हुए। बिल्कुल, सुनील जी आपको आवाज आ रही है अभी? जी हाँ, कैन यू हियर मी? हेलो, जी जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आपका प्रश्न जो मुझे याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे इनको गुनाह से निर्मुक्त किया? जी, इसमें जो हमारे हाथ अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट लगा है, उसको 90 पन्ने का वो निर्णय है, दिल्ली हाई कोर्ट ने हर चीज को बहुत बारीकी से देखा है। लड़की के शरीर पर इंजरी जो है बहुत ही हीनियस है, उसके तमाम निजी पार्ट पर बहुत ही हीनियस तरीके से मृत्यु के बाद के चोट कारित किए गए हैं, उसको जलाया गया है, बॉन्ड किया गया है। तो जिस किसी ने भी इसको कारित किया है वो बहुत ही घृणित तरीके से किया है। इसमें इनका जो मुख्य प्ली था डिफेंस के तरफ से कि हमारे ऊपर प्लांट किया गया है, मुकदमा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है डेथ के बाबत, लेकिन किडनैपिंग के बाबत डायरेक्ट एविडेंस है। तीन लड़कियों ने जो उनकी साथी थी बताई कि मेरे सामने लाल इंडिका गाड़ी खींच करके इस लड़की को ले गई। इंडिका कार कनेक्ट होती है उनके ओनर से, सब मिस्टर राज सिंह। राज सिंह ने कहा कि मैंने इसको फला ट्रेवल एजेंसी को बेच दिया। वो ट्रेवल एजेंसी का मालिक कहता है कि मैंने इसको, इन तीनों में से कोई एक अक्यूज है ड्राइवर, उसको दिया चलाने के लिए। तो गाड़ी जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तक गाड़ी के पेपर्स ट्रांसफर नहीं हुए थे। एविडेंस के अंदर, कानून के अंदर एक मान्यता है कि वह एरिया जो आपके कब्जे में है उसके अंदर कोई डेड बॉडी मिलती है तो आप उसके जिम्मेदार होते हैं। किडनैपिंग तो इनके गाड़ी से हुई थी, डेड बॉडी मिली कहीं और, तो इसमें थोड़ा कानून बीच में फंसता है। किडनैपिंग के लिए 100% कार का ओनर जिम्मेदार है वो बताए, गाड़ी का पेपर नहीं ट्रांसफर हुआ था ये उसकी निजी जिम्मेदारी है, पर वो लोग क्यों नहीं इसमें लाए गए, क्यों उनको नहीं अक्यूज बनाया गया, इन सब चीजों का इसमें खुलासा नहीं है। जांच निश्चित ही कहीं, पुलिस ने बहुत कोशिश की है, इनको जोड़ा है, इनको रेड लाइट से पकड़ा है, गाड़ी पे बैठे हुए थे, पुलिस को देख के भागने लगे या अब नॉर्मल हरकत किए, या तो ये अपने प्ली में लिए होते कि हमने नहीं, हमारे मालिक की गाड़ी है उसने किया होगा, और जो ट्रेवल एजेंट ने लिया या तो वो कहता कि हमने नहीं, ओरिजिनल ओनर है, मेरे ऊपर थोप रहा है। किसी ने भी ऐसा प्ली नहीं लिया कि मैं गलत फंसाया जा रहा हूं। गाड़ी डायरेक्ट कनेक्ट होती है क्राइम से, और ये इतनी इनोसेंट नहीं है जितना इनोसेंट इनको मान लिया गया है। तो गाड़ी जो है वो मेन टूल है इस हत्या में, उस गाड़ी से किडनैप किया है, ले गया है। अब किन बेसिस पे क्या तीन माननीय जजेस ने कानून के सिद्धांत को लगा करके इनको दोष मुक्त किया है, ये उनके विजडम पर है, उस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन यूपी के डायरेक्टर प्रकाश सिंह जो निवर्तमान है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी कि जांच अधिकारियों को और सिक्योरिटी पर्सनल को इनकी ड्यूटी को बांटिए, डिपार्टमेंट बांटिए, जांच के जो अधिकारी हैं उनको फ्रीडम दीजिए, जांच को साइंटिफिक बनाइए, इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। निश्चित ही जांच लचर है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो करके जब उनके मापदंड पर कोई जांच का रिजल्ट नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और चारा नहीं रहता है, क्योंकि प्रिजम्पशन इनोसेंस का है। जो प्रूफ करना चाहिए वो चीजें प्रूफ नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पर कुछ भी कहना मुश्किल है। और निश्चित ही यह जांच और एविडेंस कमजोर साक्ष्य, इन सब वजहों से ये लोग यहां से छूटे हैं।
जी, दीपिका नयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। दीपिका नयाल जी, इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों को बरी कर दिया है, ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दोषी है कौन? दीपिका नयाल जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी मैम, हम सुन पा रहे हैं। दीपिका नयाल जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर? आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों को बरी कर दिया है। देखिए, सचमुच बहुत शॉकिंग है। जब हम यहाँ पर आए तो हमने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि लोअर कोर्ट के आसपास से कुछ फैसला रहता, यही हमने सोचा था, या तो उम्र कैद होगी, फांसी होगी, कुछ तो होगा ही, लेकिन इस तरीके से बरी कर देंगे, ये सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। उसके बाद जब फैसला आया, उसके बाद यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ, काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद पुलिस बल को बुलाया गया और वहां पर कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब न्याय के मंदिर में ही इस तरीके का अगर फैसला होगा तो वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? मेरे साथ किरण नेगी के मम्मी पापा भी हैं, उनसे भी मैं आपको बात करवा देती हूँ। उनकी मदर है जो कि बहुत अपसेट हुई है इस फैसले के बाद। आप खुद देख सकते हैं, 10 साल हो गए हैं लड़ते लड़ते, और क्या मतलब किससे उम्मीद करें, कहां जाएं, क्या करें, आप खुद सोचिए। बहुत मुश्किल होता है लड़ना, और कानून के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ तो लड़ना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप सोच सकते हैं इन माता पिता पर क्या बीती होगी। बिल्कुल दीपिका जी, देखिए, जिस 10 साल से हम अभी यही बात कर रहे थे कि 10 साल से हम इंतजार कर रहे थे, 10 साल से माँ बाप इंतजार कर रहे थे कि फैसला आएगा, और आज इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मैं आप चूंकि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि आपको ज्यादा डिटेल्स में ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस वजह से इन्हें बरी किया है, क्योंकि हाईकोर्ट और निचली अदालत ने तो फैसला बरकरार रखते हुए इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। देखिए, जो जानकारी मिली है, अभी ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन इनके पिताजी से हमारी बात हुई थी, तो उनका यही कहना है कि सबूतों की कमी थी और कहीं ना कहीं डीएनए वाली बात कही जा रही है। लेकिन जब उसी डीएनए को लोअर कोर्ट ने मान लिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मान पाई, इस चीज को लेकर बातें हो रही है। उनके पिताजी से मैं बात करवाऊंगी, उनके पिताजी आपको क्लियर बताएंगे कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या था। जी जी सर, बताइए। आज पता लगा है, मतलब कल पता लगा है कि बोला 7 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है लास्ट हियरिंग है और फैसला आएगा। लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज जो अपना फैसला दिया था वो फैसला नहीं है, वो एक बच्चों वाला जेल है कि जैसे कि मुलजिम को फांसी होनी थी उसको आज फांसी से बचा के तिहाड़ से भी फ्री कर रहे हैं, और किरण नेगी को अभी तक न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से, जो कि लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से फांसी का ऑर्डर हो चुका है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो रह क्या जाता है अब? इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है क्यों? ये गरीब के लिए कोई न्याय नहीं है। हम तो बड़े आस लेके बैठे हुए थे कि आज हमें न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय ऐसा नहीं। नेगी साहब, वो ताकतवर लोग कौन है, क्या कमी रह गई, किन सबूतों में कमी रह गई? सबूत में कमी कोई नहीं है, ये सिर्फ मन गठित कहानी है। आप ये बताइए कि लोअर कोर्ट गलत नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी गलत नहीं है, अगर गलत है तो वो चला क्यों रहे, उस दुकान को बंद कर दें। देखिए साहब, आपने हाई कोर्ट में दलीलें जब हो रही होंगी उस वक्त भी आप वहां पर रहे होंगे, और जब निचली अदालतों में भी दलीलें दी गई होंगी उस वक्त भी आप रहे होंगे उसमें। अब जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई, वैसे कौन से तथ्य थे जो नहीं रखे गए यहाँ पर? आज बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया जी, कौन से वो तथ्य थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय कहाँ मिलेगा? यह गरीबों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अमीरों के लिए है, मंत्री के लिए है, नेताओं के लिए है। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब तो वैसे ही मर जाएगा। बिल्कुल,
अनामिका जी के परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और नेगी साहब हमारे साथ वो बात कर रहे हैं और मैं उनका दुख समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप चेहरे के एक्सप्रेशंस भी उनके देख सकते हैं कि 10 साल का इंतजार एक लंबा इंतजार होता है और जिस तरीके से वो इंतजार कर रहे थे और उसके बाद आज उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कि उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पाया, क्या अमीरों के लिए ही कोर्ट है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या किसी भी तरीके की कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है? वो दो, और अगर वो दोषी नहीं है तो फिर दोषी कौन है? कौन है नेगी साहब दोषी फिर? हेडमास्टर क्यों होता है? हेडमास्टर को यही पूछ रहा हूँ कि कमी कहाँ रह गई, ये जब नीचे से मतलब क्लियर होके गया है फर्स्ट और सेकंड है तो थर्ड पर मतलब फॉल्ट क्यों आया? हेडमास्टर ऐसे बना दिया उसको हेडमास्टर है? अगर हेडमास्टर मंत्रियों के लिए है और नेताओं के लिए, अमीरों के लिए, तो गरीबों के लिए कहाँ है हेडमास्टर? वो उसका फैसला कौन देगा है? अगर यही बीत यही आज जो मुझ पर बीती वही केस सुप्रीम कोर्ट के जजू पे बीतती मान लो तो क्या होता? इनका तो जल्दी फैसला होता, उसको तो तुरंत मतलब तुरंत दान महाकल्याण, उसको तो हाथों हाथ मतलब फांसी दे देते ये लोग। लेकिन आज मेरे को जो है 10-12 साल होते हो गए मतलब दौड़ते दौड़ते भागते भागते, लेकिन मेरे को आज भी न्याय नहीं मिला जहाँ पर आज मुझे न्याय मिलने की उम्मीद थी। जी दीपिका जी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। दीपिका जी यहाँ पर जिस तरीके से हम नेगी साहब को सुन रहे हैं और उनका दर्द साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो 10 साल से इंतजार कर रहे थे और आज उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से सभी को आस होती है। जब लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट नहीं है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से सभी को आस होती है और आज इस तरीके का फैसला आना है कि सभी दोषियों को बरी कर देना, ठीक है मैं एक पल के लिए मान लेती हूँ कि वो दोषी नहीं थे, तो फिर दोषी कौन है? फिर 10 सालों से पुलिस क्या कर रही थी? मुझे तो लगता है ना कि चाहे वो किरण नेगी हो, अंकिता भंडारी हो, ऐसी तमाम जो लड़कियां हैं उनका दोषी कोई नहीं है। उनकी दोषी वो खुद हैं जिन्होंने गला दबाकर खुद आत्महत्या कर ली होगी और रेप वेप की खबरें सब झूठी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है तो फिर आप बताइए ना हुआ क्या उसके साथ? रेप हुआ नहीं उसके साथ, कुछ हुआ नहीं उसके साथ, आपको सबूत नहीं मिले, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया और आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि हुआ क्या है। अंकिता भंडारी केस को भी आप देख लीजिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि अंकिता भंडारी केस में भी यही होने वाला है कि भैया अंकिता ने अपना गला खुद से दबा लिया और वो खुद ही मर गई और जो जितने आरोपी हैं ये भी बाहर आएंगे। अभी से मैं बता रही हूँ आपको अंकिता भंडारी केस में यही होने वाला है। दीपिका जी आज हम इसी पर बातचीत भी कर रहे थे कि अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है तो उसके बाद अब आगे ऐसे जितने भी केसेस होंगे उसमें आप क्योंकि कोर्ट की ही जजमेंट पर आगे दिया जाता है, आगे प्रोसीडिंग होती है, आगे लोग अपने उसमें दलीलें देते हैं अपने मैटर पे, तो ऐसे तो आप ये वाले मैटर के जितने भी ज्यादा केस होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे और आगे इस तरीके की दलीलें दी जाएंगी और सबके सब बाहर आ जाएंगे। वही तो मैं कहती हूँ, नैनीताल हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है अंकिता भंडारी का, लोअर कोर्ट से ये भी जीते हैं। आज भले ही आप लोअर कोर्ट से जीत जाए लेकिन जो आरोपी है वो ताकतवर है, सुप्रीम कोर्ट जरूर आएंगे और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देता है तो न्याय की जो उम्मीद है वो टूट जाती है। घर वाले कब तक लड़ेंगे? आप सोचिए, उसके पिताजी गार्ड है और उसकी मम्मी किसी फैक्ट्री में काम करती है, वो लड़की भी किसी काम के लिए निकली थी, घर के हालात इतने बुरे हैं, अगर वो मजबूत वकील नहीं कर पाए तो आप सोचिए ना कैसे वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और अब रिव्यू पिटीशन आप दायर भी कर देंगे तो क्या भरोसा है? बिल्कुल दीपिका जी, ये तीन लोग कौन है मैं ये भी जानना चाहूंगी और आज पूरा देश जानना चाहता है ये तीन लोग कौन है। अभी तक अगर हम उनकी हिस्ट्री खंगालें तो मुझे सिर्फ ये पता था कि वो ड्राइवर थे, लेकिन आज वो तीन लोग कौन है, ये कौन है और इनके पीछे किनका हाथ था कि पूरा सिस्टम आज कोलैप्स कर गया, ये मैं आज सवाल पूछने पर रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तथ्य नहीं पहुंच पाए कि जिससे वो दोषी पाए जाते। देखिए मुझे ये पता चला है कि वो इनके पड़ोस के ही लोग हैं और ऐसा जो इनके साथ मैं तो बोलना चाहूंगी इनकी पड़ोस की महिलाएं भी साथ में आई हैं और उनका यही कहना है कि वो पड़ोस के लोग थे और दो सगे भाई थे और उन्होंने ये साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर जिस दिन हम बाहर आएंगे आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो सोचिए कितने दहशत में ये लोग हैं, यहाँ से इनको जाने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर के आसपास भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं क्योंकि कोर्ट के अंदर भी वो बोल चुके हैं कि यहाँ से तुम बाहर निकलोगे हम तुम्हें काट कर फेंक देंगे। तो किस तरीके से उन्हें 10 साल तक केस लड़ा और अपने ही जो आसपास के लोग थे वहीं पे ये सारी चीजें हो रही हैं और ये जो आरोपी हैं दो सगे भाई हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है लड़ाई लड़ना। तो आप समझ सकते हैं कि कानून किस तरीके से काम करता है और न्याय की हमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए।
ठीक है दीपिका जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। और हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। मैं आपसे सुनील जी जानना चाहती हूँ कि आज जो हुआ है क्या ये आगे जाकर नजीर बनने वाला है? इस तरीके के फैसले अब हमें और देखने को मिलेंगे? आपने यहाँ पर पीड़िता के पिता को सुना? सुना। देखिए इसमें एक जो चीज है वो मैं बताना भूल गया था, जो हम दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट से रिफ्लेक्ट हुआ कि पुलिस के बयान में गड़बड़ी है। पुलिस के कई इंस्पेक्टर, कई आईओ इसमें समय समय पे बदलते हैं। बीच में एक आईओ ने मुख्य अभियुक्त के वहां अरेस्ट के टाइमिंग को और लाश की बरामदगी के टाइमिंग को इसमें उसने कंफ्यूजन किया है। उसने कहा कि जिस वक्त लाश बरामद हुई उस वक्त अभियुक्त वहां नहीं था, और जो बाद में आईओ केस को लेकर के आगे प्रोसिक्यूशन चले वो ये चले कि सबसे पहले अभियुक्त पकड़ा गया, फिर पूछताछ पे उसने बताया कि हमने क्राइम किया, और फिर उसके बताने पे डेड बॉडी। तो ये सब कानून की कमियां होती हैं। प्रोसिक्यूशन को बहुत स्ट्रांग होके अपने मुकदमे को सफाई से और मजबूती से रखना चाहिए। एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने या कई मुकदमे में कहा है कि जांच अधिकारी, डॉक्टर या कोई भी ऐसा सरकारी तंत्र जो एक हत्या या अपराध को जांच करता है, उसके जांच की रिपोर्ट लगाता है, अगर उसके कंडक्ट में गड़बड़ी है तो उनको सजा दिया जाए, उनको दंडित किया जाए, उनको सर्विस से निकाला जाए। एक चीज इसमें होनी चाहिए थी कि जो कोई भी जांच के लिए जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को उसका स्टॉक लेना चाहिए, उन लोगों के नाम पता करना चाहिए। अब कालांतर में 10 15 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मुकदमा आएगा, वो लोग हैं भी नहीं जांच अधिकारी, या मर गए या जिंदा है, वो बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई विटनेस अपने बयान से पलटता है तो जितना बयान उसका काम का है उसको लीजिए और फिर भी सजा दीजिए। सारी चीज सुप्रीम कोर्ट करता है। आपका प्रश्न था इसकी वजह से दूसरे मुकदमे अफेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है। हर मुकदमे के फैक्ट अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है, ये अपने दिए गए जजमेंट से नहीं बाध्य है। देखिए सुनील जी, मैं लगातार कह रही हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बड़ा बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिस्टम, सरकार क्या कर रही थी? आखिर क्यों वो तथ्य पेश नहीं किए गए जो हाई कोर्ट में किए गए थे? क्यों आज उन दोषियों को सजा नहीं मिल पाई? क्यों उन्हें बरी कर दिया गया? सवाल यही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हाईकोर्ट माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर की कुछ तस्वीरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर की आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और दोषियों को बरी कर दिया। उस वक्त पीड़िता की माँ फफक कर रोने लगी और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माँ किस तरीके से रो रही है। पीड़िता की ये माँ है और अभी हमने पीड़िता के पिताजी से भी बात की और उनका दुख भी साफ दिख रहा था। 10 साल से ये माँ बाप इंतजार कर रहे थे कि इनकी बेटी को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे थे कि इनको न्याय मिलेगा। हार गई मैडम, हार गई मैम, हार गई मैम,
देखते क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। इंतजार में जी रही थी मैं, तुम्हें जिंदगी इतना खत्म होगी, अब मिल जाएगा मेरे बेटे को, इंसान मिल जाएगा अपने में लो। फैसला है 11 साल बाद ही फैसला आया, हार गई मैडम, हार गई। पीड़िता की माँ को सुन रहे हैं आप, जो क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। इतनी इंतजार में जी रही थी मैं, तुम्हें जिंदगी इतना खत्म होगी, अब मिल जाएगा मेरे बेटे को, इंसान मिल जाएगा अपने में लो। और यहाँ पर पीड़िता की माँ को सुन रहे हैं आप, जो कि कह रही हैं, बार बार ये बात कह रही है कि मैं हार गई, मैं 10 सालों से इंतजार कर रही थी, मेरी जिंदगी में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं था, और आज वो भी हार गई हैं क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित दोषियों को बरी कर दिया है। सेशन कोर्ट में उनको फांसी की सजा सुनाई गई, हाई कोर्ट में उनको फांसी की सजा सुनाई गई, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेशन कोर्ट ने उन्हें जब यहां से उनको सजा सुनाई गई, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट जब वो जाते हैं तो उन्हें बरी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जहां तक जानकारी है कि वो ड्राइवर थे, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को पैसे देने के लिए फीस कहां से आ रही थी? कोई फ्री में तो उनका उनका केस लड़ नहीं रहा होगा जी। हर न्यायालय में, ये भारत सरकार की व्यवस्था है, न्याय मित्र होते हैं जिनको अमाइकस क्यूरी कहते हैं या कोर्ट के मित्र कहते हैं। वह गरीब लोग जो न्याय पाने में असक्षम होते हैं, वकील नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ऐसे न्याय मित्र या अमाइकस क्यूरी कोर्ट ही प्रदान करती है। और फिर लीगल एड सिस्टम के अंतर्गत हर न्यायालय में, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड कमेटी होती है, वहां के मेंबर्स होते हैं जिनका काम होता है सरकार के खर्चे पे वादी परिवादी का मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में रखना। तो इसके जो माननीय जो अधिवक्ता गण है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अमाइकस क्यूरी है और लीगल एड कमेटी से। जी, हमारे साथ मौली जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन उससे पहले मैं ध्यानी जी का रुख करना चाहूंगी। ध्यानी जी, क्योंकि उत्तराखंड से भी बिलोंग करते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे मनोज ध्यानी जी समझना चाहूंगी, उत्तराखंड की एक बेटी अंकिता जो हाल ही में केस आया, वो भी इंसाफ की आग में झुलस रही है, वहीं दूसरी तरफ आज ये जो तस्वीर देखी, उत्तराखंड के बिलोंग करते थे ये लोग, पौड़ी के रहने वाले थी ये था यह परिवार, दिल्ली में उनकी बेटी काम करती थी, और उसके साथ जो हैवानियत हुई, और उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित दोषियों को बरी कर दिया, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। हम लोग सभी बड़े स्तब्ध हैं इस निर्णय से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। मैं एक बात जो यहाँ पर उठाना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब उत्तराखंड में महिलाओं पे अत्याचार की बात आती है या उत्तराखंड के लोगों पे अमानवीय व्यवहार की बात आती है, तब न्याय के दरवाजे पूरी तरीके से बंद रहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सन 1994 में रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था, वहाँ रेप की पुष्टि हुई थी, 10 महिलाओं पे बलात्कार का पुष्टि की गई थी, कई मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई थी, और 28 सितंबर 2005 को वहां के जिलाधिकारी समेत तमाम लोगों को छोड़ दिया जाता है, आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। मैं अगर बात करूं तो अंशु नौटियाल हत्याकांड था, यहां उत्तराखंड के ही देहरादून का मामला था, उस बिटिया की बॉडी को कई टुकड़ों में विभाजित किया गया और उसके बाद जिलाधिकारी देहरादून के यहां फेंक दिया गया, न्याय की आज तक बात नहीं हो पाई है। अभी अंकिता भंडारी
हत्याकांड हुआ है और वो बिटिया जो जिसको मात्र 10,000 रुपये की सैलरी के लिए पहाड़ से प्लान कर आना पड़ा, उसके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार है। आज भी ऋषिकेश के भीतर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और पूरे उत्तराखंड के अंदर भीतर कर रहे हैं कि उसे न्याय मिले। लेकिन अभी आज की जो घटना, ये जो 2012 की घटना है, और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन लोगों ने प्रवास में भी और उत्तराखंड के भीतर लड़ा कि इस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। ये अपराधी धरे दबोचे गए, बहुत सारे सबूत न्यायालयों में रखे गए, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत की न्याय व्यवस्था अंतोदगत्वा जिस प्रकार से निर्भया हत्याकांड को उनके माता पिता ने बड़ी शिद्दत से लड़ा और अंतिम पूरा मीडिया जगत उनके साथ रहा, पूरा भारतीय समाज साथ रहा, और एक नजीर पेश की गई, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। और लेकिन विपरीत एक निर्णय आया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात हो सकती है, लेकिन एक बात बड़े अच्छे हमारे यहाँ पैनलिस्ट ने ये बात उठाई कि अगर मान लीजिए कि न्याय मिलने में जो आरोपी जिनको कहा जा रहा है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, या तो इनको न्याय नहीं मिला इतने 10 सालों तक ये पीड़ित रहे, या जो पीड़िता है जिनको न्याय मिलना चाहिए तो उनके परिवार को है। दरअसल पूरे पूरे देश की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी जो बड़ी कमी है। ठीक है मनोज जी, जानी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कुछ उतना ज्यादा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्रप्रकाश जी है कुरुक्षेत्र से। चंद्रप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, और अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो न्याय दिया है उन्होंने सोच समझ के दिया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीड़िता पक्ष था उनके वकील द्वारा मुझे ऐसा आभास होता है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया होगा, उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है उसका सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। वरना नीचे की कोर्ट जब ये फांसी का डिसीजन दे दे और ऊपर की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही उसको ये अवॉइड कर दे और ये कह दे कि जो है ना ये फैसला हाई कोर्ट का गलत है, तो ये इस आम नागरिक सोचने को मजबूर हो जाएगा। और आपके चैनल के ये दिखा रहे हैं कि उस बच्ची की आंखें फोड़ करके और तेजाब डाला गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने के आगे जब न्यायपालिका की जो वो बनी हुई होती है महिला उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, इसका मतलब यही हुआ कि न्याय के मामले में आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। चंद्रप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। उमेश जैन जी हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं। उमेश जैन जी, सुन पा रहे हैं आप? उमेश जैन जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मौली सेठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मौली सेठ जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त, मैं क्या कहूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। अभी सुनील जी कह रहे थे कि शायद जांच ठीक तरीके से नहीं हुई थी। पीड़िता के जो पिता हैं वो यहाँ पर अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तथ्य ठीक तरीके से रखे गए लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने सीधे सीधे बरी कर दिया गया। 2 लाइन का एक स्टेटमेंट कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था उसे रद्द किया जाता है और इन्हें बरी किया जाता है। जी, शब्द तो सच पूछिए मेरे पास भी नहीं जुट पा रहे थे, बहुत देर से मैं चीजें सुन रही हूँ, लेकिन 2-3 बातें मेरे जहन में आ रही है, मैं बस उन्हें बोल सकती हूँ या कह सकती हूँ, इसके अलावा क्या बोलूं। पहला सवाल तो यही है कि सुनील जी अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत से टेक्निकल पॉइंट रखे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाएंगे भी नहीं, बहस कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि
पक्ष ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सी चीजों को स्वतः संज्ञान में लेता है जी। उस सुप्रीम कोर्ट में अगर तथ्य सही तरीके से नहीं भी आए तो भी क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में नहीं ले पाया कि मामला क्या है? आपने ये कहा, आपने मुकदमे को उसको पिछले फैसले को रद्द करते हुए नया निर्णय सुनाया, वो उसकी रिव्यू पिटीशन होगी और कहा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, लेकिन क्या ये ख्याल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के दिमाग में नहीं था कि रिव्यू मांगा जाएगा तो हमसे ये सवाल पूछा जाएगा, तो तभी उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं किया? तीसरी बात ये कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं थे ये कहा गया, उस लड़की की हत्या और बलात्कार हुआ विदित है, प्रूवन है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिमांड क्यों नहीं की कि भाई उन्हें आप पेश कीजिए, आप उन्हें पकड़ के लाइए, और इससे पहले कि सही मुजरिम सामने आए आपने प्रीवियस कोर्ट के विवेक को नजरअंदाज करके उन्हें रिलीज तो कर दिया। इस बीच में जैसा होता है कोर्ट के बाहर पीड़िता के परिवार के साथ कोई हादसा हुआ, उसका दायित्व कौन लेगा? मौली जी धमकियां मिल रही हैं अभी से, अभी हमारे साथ पीड़ित पक्ष जुड़ा था, जो मैंने अभी सुना जी, उसी के बाद मैंने कहा उसका दायित्व कौन लेगा। और एक आखिरी चीज और, ये जो उदाहरण सामने आ रहा है भय मुक्त की जो भावना आ रही है अपराधियों के अंदर, क्योंकि अगर कोई और भी अपराधी है वो निश्चिंत हो गया कि मामला खत्म, हम तो नजर में है ही नहीं, और जो मुजरिम नहीं था वो छूट गया, यानी मामला खत्म, अब वो निर्द्वंद घूमेगा। ऐसी स्थिति में देश की जो इस तरह की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा। हम ईश्वर से सवाल नहीं कर सकते, हम ईश्वर के निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकते, पर हम फिर ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा की व्यवस्था करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन फिर हम ये उम्मीद भी ना करें कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुरक्षा के लिए क्या करेगा। कहीं अपराधियों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया, बलात्कारियों का सम्मान हो गया, वहां आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, यहां आपने बरी तो कर दिया पर अपराधी कौन है उसे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। आपने ठीक है, अदालत मुजरिम को अपनी या तथाकथित जो भी अपराधी है, दोषी है, उसके लिए आप उसको शिक्षा मित्र की देते हो, अभी वकील साहब ने बताया। आप ये सोच सकते हो कि भाई किस कोई अगर अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता हम उसको एक सहयोग दें। हमारी न्याय व्यवस्था ये क्यों नहीं सोचती है कि हम जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता हम उसकी रक्षा कैसा करें? आपने किया, आपने उन सारे जांच अधिकारियों को दंड क्यों नहीं सुनाया कि आप क्यों नहीं सही साक्ष्य रहे? 10 साल से कोई न्याय के लिए भटक रहा है और वो भी इतने घृणित अपराध में। हम कहते हैं कि न्याय में देर न्याय की हत्या है, क्या न्याय में देर भी हुई, न्याय की हत्या भी हुई, न्याय भी मारा गया, उसने सब झेला भी, और सिर्फ 2 लाइन। इतना संवेदनहीन एटीट्यूड क्यों? तो हम स्तब्ध हैं, हम आहत हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख भी रहे हैं कि ये न्याय विधाता इस दुनिया कहां लाके खड़ा कर दिया है आपने, ये किन कर्मों का दंड है? हम सुरक्षा भी ना मांगे, बतौर एक मां मैं डरी हुई हूं और मेरे जैसी सैकड़ों लाखों माएं और स्त्रियां डरी हुई हैं। देश की आधी आबादी भय में जी रही है और आपके पास सिर्फ 2 लाइन का निर्णय है, 2 पेज 10 पेज का निर्णय है, ये कौन सी व्यवस्था है?
मतलब हम लोग क्या देहातों में, और उसमें एक बड़ी क्रूर सी कहावत होती है, जबरा मारे और रोने भी ना दे। तो ये तो वो स्थिति है कि हम सवाल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय हैं, आप सर्वोच्च हैं, लेकिन उच्चता से बहुत सारी चीजें और जुड़ी होती हैं, बड़े अधिकारों के साथ बड़े दायित्व आते हैं, इन दायित्वों को कैसे नजरअंदाज किया, बेंच ने क्यों नहीं सोचा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके निर्णय पे सवाल ना उठाऊं तो क्या करूं, कहां जाए हम, अब किससे कहें। बिल्कुल मौली जी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अभी मैं जब पीड़िता के बयान को सुन रही थी तो उन्होंने, पीड़िता की माँ के बयान को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि धमकियां मिल रही हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें धमकियां कौन दे रहा है, उन्हें मालूम है कि उनकी बेटी को किसने मारा है, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। सुनिए जी, आप मुझे बताएंगे कि मैं हमेशा सुनती हूँ कि जब निचली अदालत में आपको न्याय नहीं मिलता आप हाईकोर्ट चले जाते हैं, आपको हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिलता आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं दिया, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेगी ये माँ जो 10 साल से सांस में जी रही थी कि फैसला आएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करें और जो खामियां हैं उसको बताएं और जो रिव्यू के लिमिटेड ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड्स पे रखते हुए आगे बढ़ें। हो सकता है वो चीजें सामने आने से न्यायालय अपना निर्णय अकॉर्डिंग टू द फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ले, क्योंकि कानून में उसकी व्यवस्था है, संविधान में उसकी व्यवस्था है। बहुत कठिन हो जाता है रिव्यू में आगे चलना क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, हजारों लाखों में एक मैटर रिव्यू में ऑर्डर होता है, पर ऐसा प्राविधान है कोर्ट को कहीं लगता है कि कहीं इरेपरेबल कोई इस तरह का इंजरी है जिससे कि न्याय की क्षति हुई है या कोई एक ऐसा फैक्ट है जो नहीं आ सका है, तो कोर्ट उसको उन ग्राउंड के लिमिटेड ग्राउंड पे देखती है और रिव्यू भी करती है और कई मैटर में रिव्यू हुआ है। ये तो बहुत हीनियस मैटर है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम भी एक सर्विस मैटर में एक वन दरोगा का केस था कई राउंड सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद, इसी सुप्रीम कोर्ट से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएल पूनिया तलब हुए थे और उसको न्याय मिला। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि उनको न्याय मिले, वो जितेन जी आगे चले। जी जी जितेन जी कुछ कहना चाहता है, जितेन जी सुन पा रहे हैं? जी 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 जितेन जी कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपने सुना सुनील जी को भी, अभी उनकी जो उनके साथ दीपिका जी थी उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे इसको लेकर, रिव्यू चैलेंज करेंगे, लेकिन क्या भरोसा है कि तभी भी न्याय मिलेगा, और जब सरकार और सिस्टम ने अभी तथ्य नहीं रखे तो आगे क्या करेंगे वो? अधिकार पीड़ित के पास है, पीड़ित के पास है, रिव्यू 100%। जितेन जी से शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो, क्या जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी जितेन जी, क्या आप सुन पा रही हैं? जितेन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कहना है कि जो स्टेट है ये केस स्टेट बनाम अपराधी होता है जी, हम पीड़ित पे डाल, हम किसी एक्स वाई जेड पे डाल रहे हैं, ये जो स्टेट है इसकी जिम्मेवारी कौन वहन करेगा? स्टेट क्यों अपने काम में, और स्टेट का मतलब है न्यायपालिका, व्यवस्थापिका ये और एग्जीक्यूटिव जो है वो सारी मिला के, तो क्यों हमारा स्टेट मैकेनिज्म फेल होता है न्याय देने में? एक बड़ा ही जितेन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौली जी एक सवाल मैं आपसे यहां पर लेना चाहूंगी, और बड़ी बात यह है कि आज तो फैसला आ गया है, तथा कथित दोषियों को बरी भी कर दिया गया है, लेकिन इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि कोर्ट में उस स्टेटमेंट को लेकर आगे केस लड़ा जाता है,
तो कहीं ना कहीं आज जो आया तो कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले पर अब आगे जाकर जब दलीलें दी जाएंगी तो इसी हिसाब से दे दी जाएंगी और जितने भी दोषी होंगे वो ऐसे ही बरी होकर बाहर आ जाएंगे। मैं यही बात कह रही हूं लगातार कि लोग जो हैं वो इस मामले की गंभीरता को शायद नहीं समझ रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया है, अब ऐसी उस वर्डिक्ट के साथ उसने कहीं भी ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा है जहां पर ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट को कोई गलतफहमी या शंका है। उन्होंने सीधे सीधे एक पुराने फैसले को रद्द करके अपराधियों को बरी कर दिया है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि भाई हमारे पास ये चीज कम रह गई, वो चीज, एक डिटेल चीज जिसके आधार पर कहीं वर्डिक्ट को लेकर सवाल उठे, तो वो संभाव, वो जो दरवाजे खुले नहीं है। ऐसे में आप चाहें या ना चाहें, नजीर तो ये बनेगा, लोग जाके कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा कहा था तो हमारे साथ भी ऐसा है कि भाई अरे वो तीन आदमी ड्राइवर थे, उनके पीछे कौन हो सकता है, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये जबकि सच्चाई यही है कि अगर इतने बड़े लेवल पर खेल हो गया कि आपने साधारण से लोगों की तो औकात ही नहीं है, इतनी औकात अगर चीजों को बदल देने की होती आम आदमी की तो फिर पीड़िता के माँ बाप तो बहुत पहले कर चुके होते ये चीज। बिल्कुल मौनी जी, अभी तो देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, तो क्योंकि हमारे सिस्टम को देखना होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं माँ बाप को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से माँ बाप को धमकी मिल रही है उनको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो इंसाफ मांगेगा कौन, और जब इंसाफ मांगने वाला ही नहीं रहेगा तो आगे इंसाफ मिलने की कोई बात ही नहीं है। मौनी जी माफ कीजिएगा, चूंकि वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और राष्ट्र में आज हम बात कर रहे थे कैसे मिलेगा नामिका को इंसाफ, क्योंकि एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने दो लाइन का स्टेटमेंट दिया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसे रद्द किया जाता है और दोषियों को बरी किया जाता है, उसके बाद से पीड़िता के माँ बाप जो है वो काफी आहत है। हालांकि आगे रिव्यू चैलेंज करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि सिस्टम और सरकार ने वो तथ्य क्यों नहीं रखे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उन दोषियों को दोषी करार देती और उनकी सजा को आगे कंटिन्यू किया जाता। फिलहाल राष्ट्र में इतना ही, देखते रहिए खेल नजरिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन, मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल, सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल, आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है। हम व्यापार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है।
आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल।